बंगाल बीइंग अ कोस्टल रीजन, इसकी जो कुजीन है इट इज मेजरली सी फूड बेस्ड। अब बंगाली कुजीन में बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है एक चिंगरी मलाई करी। अब वो चिंगरी मलाई करी होता क्या है, कैसे बनती है, वो हम आपको बताएंगे इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल की हालचाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, एंड आई वेलकम यू बैक टू आर टूर ऑफ वेस्ट बंगाल विद सलोनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सेहत भी एंड स्वाद भी। अब सलोनी मस्टर्ड ऑयल है तो सेहत और स्वाद अश्योर्ड है। हम बनाने जा रहे हैं चिंगरी मलाई करी, इसको सेहतमंद बनाएंगे सलोनी मस्टर्ड ऑयल के साथ। अब चिंगरी मलाई करी का मतलब होता है प्रॉन मलाई करी। इसमें एक स्पेशल टाइप के प्रॉन्स यूज होते हैं, दैट इज टाइगर प्रॉन, और उनको तेल के साथ पकाया जाता है। अब सिंस हम दिल्ली में हैं और हमें सी फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलती है, तो हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश वाटर वाइट प्रॉन्स के साथ, और इसमें टेल्स नहीं मिली है हमें, तो हम बिना टेल्स के बना लेंगे, नॉट एन इशू। अगर आपके पास लार्ज प्रॉन्स नहीं है तो आप मीडियम और स्मॉल के साथ भी बना सकते हैं, नॉट एन इशू। तो सबसे पहले हम चिंगरी मतलब प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे। अब ये वाले प्रॉन्स क्लीन्ड हैं, डीवेन्ड हैं, तो डीवेन करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्ट और थोड़े से हल्दी के साथ मैरिनेट कर लेंगे। यू डोंट नीड टू मैरिनेट देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 5 से 10 मिनट इनफ है। जितनी देर में हमारा सलोनी मस्टर्ड ऑयल स्मोक होगा उतनी देर में ही ये प्रॉन्स मैरिनेट हो जाएंगे, तो टाइम क्यों वेस्ट करें, कढ़ाई गर्म और कढ़ाई में सलोनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सेहत भी और स्वाद भी जो बनता है खुद की ही फैक्ट्री में। सलोनी मस्टर्ड ऑयल स्मोक हो चुका है, अब इसमें हम प्रॉन्स डाल सकते हैं। ध्यान रखिए आपने मीडियम आंच पे ही इनको कुक करना है। जैसे ही प्रॉन्स का कलर ऑरेंज हो जाए मतलब प्रॉन्स कुक्ड है। प्रॉन्स को आप निकाल लीजिए, साइड में रख लीजिए। अब ये तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करेंगे करी की। तेल थोड़ा गर्म है, उसमें जीरा डाल देंगे, साथ ही एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 लाल मिर्च, लाल मिर्च को हल्का सा तोड़ के डालेंगे, और एक तेज पत्ता। बंगाली क्यूजीन की बेस्ट थिंग इज ये बहुत फ्लेवरफुल होती है। अब आप देख सकते हैं कितने सारे खड़े मसाले गए हैं, तो वो जो ऑयल है उसके अंदर प्रॉन्स का भी फ्लेवर है और खड़े मसाले का भी फ्लेवर है। अब इस ऑयल में प्रॉन्स पकाते हो ना, प्रॉन्स का पानी गया है, तो इसीलिए वो जो पानी इवेपोरेट हो रहा है और वो पड़पड़ कर रहा है, तो इसीलिए इस पड़पड़ को हम नजरअंदाज करते हैं और मसाले पक चुके हैं। तो इसमें अनियन पेस्ट, ये लगभग 4 से 5 अनियन का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको डाल देंगे। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था, बंगाल इज अ कोस्टल रीजन, वहां का जो पानी होता है वो खारा होता है, तो वो खारापन हटाने के लिए चीनी डाली जाती है हर रेसिपी में। और एक और टेक्निक है, जब आप प्याज को ब्राउन करते हैं तो प्याज के साथ आप थोड़ी सी चीनी डाल दें तो प्याज जल्दी ब्राउन होता है, इसीलिए वो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। अब इस अनियन के पेस्ट को आपने ब्राउन करना है, हमने चीनी डाल दी है, चीनी अपना कमाल दिखा देगी, जल्दी जल्दी ब्राउनिंग हो जाएगी, बट आपने थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे इसको स्टर करना नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे ही इसका पानी सूखने लगेगा ये नीचे लगने लग जाएगा, इसीलिए आपने ध्यान रखना है थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे इसको स्टर करते रहे, ठीक है जी। अब ये स्टेज देख लीजिए, प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया, इस स्टेज पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट की भुनाई प्याज के साथ होती रहेगी, जैसे जैसे प्याज ब्राउन होएगा वैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पक जाएगा। अब देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है और प्याज नीचे भी लग रहा है, तो आप इस टाइम पे गैस लो कर दीजिए और पाउडर मसाले डालेंगे, ठीक है जी। ये ग्रेवी ना थोड़ी सी येलोइश कलर में होती है, इसीलिए हल्दी थोड़ी ज्यादा, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला। ये जो चिंगरी मलाई करी है इसमें चिली ज्यादा नहीं होती,
इसके फ्लेवर्स बहुत सूदिंग होते हैं और ये फ्लेवरफुल होती है, स्पाइसी नहीं होती। अब जैसे मसाले पक जाए, अ स्प्लैश ऑफ कोकोनट मिल्क ताकि मसालों की कुकिंग रुक जाए। जैसे कोकोनट मिल्क रिड्यूस हो जाए तब हम डालेंगे दही। दही डालने के बाद चलाना मत छोड़िएगा वरना दही फट जाएगी। अब इस ग्रेवी में दो तरह का कोकोनट मिल्क यूज होता है, एक तो फर्स्ट प्रेस और सेकंड इज सेकंड प्रेस। जो फर्स्ट प्रेस होता है वो थिक होता है और जो सेकंड प्रेस होता है वो थोड़ा सा थिन होता है। फर्स्ट प्रेस कोकोनट मिल्क थिकनेस बॉडी देने के लिए होता है और जो सेकंड प्रेस होता है वो फ्लेवर देने के लिए होता है। अब दही डालने के बाद जैसे ही मसाला ऑयल रिलीज करने लग जाए ना, मतलब दही पक चुकी है, इसमें इस टाइम पे हम डालेंगे कोकोनट मिल्क। थिक कोकोनट मिल्क के साथ कुकिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि वो बहुत जल्दी कर्डल कर जाता है, इसीलिए हम एक ही तरह का कोकोनट मिल्क लेंगे, थोड़ा थिन वाला। जैसे करी को बॉयल आने लग जाए ना, उस टाइम पे हम प्रॉन्स डाल देंगे और प्रॉन्स को हल्का सा पोच होने देंगे ग्रेवी में। ज्यादा पोच नहीं करना, सिर्फ हल्का सा, ताकि प्रॉन्स के अंदर ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए और ग्रेवी के अंदर प्रॉन्स का। प्रॉन्स को जब आप फ्राई करके एक बाउल में निकालेंगे तो प्रॉन्स अपना पानी छोड़ते रहेंगे, वो होती है ड्रिपिंग। उसके अंदर बहुत फ्लेवर होता है, वो ड्रिपिंग ग्रेवी में डालना मत भूलिएगा। क्योंकि कोकोनट मिल्क बेस ग्रेवी में अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो कोकोनट मिल्क के फटने के चांसेस रहते हैं, वो कर्डल हो जाता है, इसीलिए नमक एंड में। ठीक है, ग्रेवी डन है, प्रॉन्स डन है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे धनिया। वैसे यूजुअली बंगाल साइड धनिया थोड़ा कम प्रेफर करा जाता है, बट वी बीइंग पंजाबी, धनिया का प्यार जाता ही नहीं है, इसीलिए धनिया ठोक के। ये जो कोकोनट और स्पाइसेस का फ्लेवर आता है प्रॉन्स के साथ, बहुत ही अमेजिंग है, यू नीड टू ट्राई इट। ये रेसिपी तो बहुत अमेजिंग और झटपट बन जाती है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ कोकोनट मिल्क और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और प्रॉन्स लाने हैं। तो देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी ट्राई करो और फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली रेसिपी में बहुत ही अमेजिंग सी बंगाल की डेलिकेसी लेके। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।